नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सहायक वन संरक्षक पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तारीख से पहले आवेदन भर सकते हैं। सहायक वन संरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट kerala.apsc.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है। आवेदनकर्ता ये ध्यान रखे कि विभिन्न पदों पर आवेदन भरने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। आपको बता दें, उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। बीएसएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का दिखा हंगामा। बिहार में दो बड़ी परीक्षाओं के आयोजन की तारीख एक ही दिन निर्धारित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय बहाली मुख्य परीक्षा और बिहार पुलिस अवर चयन आयोग की परीक्षा 29 नवंबर को ही आयोजित करवाई जाएगी। इसके पहले एक परीक्षा 11 अक्टूबर को, वहीं दूसरी परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन यह दोनों परीक्षाएं स्थगित हो गई, जिसके बाद इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन भी एक ही दिन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में गुस्सा है। लगभग 25,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और उन्हें दोनों मुख्य परीक्षा देने हैं, जिसके बाद परीक्षार्थियों का गुस्सा साफ साफ देखने को मिला। बीते दिन इसी मुद्दे को लेकर बीएसएससी ऑफिस के बाहर छात्रों ने खूब हंगामा किया। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,00,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 912 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,05,124 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 19, अरवल में 9, औरंगाबाद में 38, बांका में 2, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 24, भोजपुर में 12, बक्सर में 6, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 24, गया में 16, गोपालगंज में 19, जहानाबाद में 34, कैमूर में 11, कटिहार में 15, खगड़िया किशनगंज में 34, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 36, मधुबनी में 11, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 18, नवादा में 18, पटना में 253, पूर्णिया में 41, रोहतास में 15, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 13, सारण में 14, शेखपुरा में 11, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 9, सुपौल में 19, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 24 मामले सामने आए हैं। दिवाली छठ के पहले बिहार के कई ट्रेनों में नहीं मिलेगी कंफर्म टिकट। छठ और दिवाली से पहले यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। त्योहारी सीजन आने से पहले ही बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों में सीट फुल हो गए हैं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया है, लेकिन घोषणा के साथ ही हावड़ा रूट से चलने वाली ट्रेनों में नवम्बर महीने का सारा सीट फुल बताया गया है, जिसकी जानकारी वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने दी है और बताया है कि नवम्बर के पहले और दूसरे हफ्ते में बिहार चलने वाली सभी ट्रेनों में सीट फुल हो चुकी है। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो गई है। चुनाव में हर बूथ पर होगी वीडियोग्राफी। विधान परिषद के पटना शिक्षक और पटना स्नातक निर्वाचन चुनाव में हर एक बूथ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से वीडियोग्राफर को भी हायर किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, जबकि हिंदी भवन सभागार में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए वीडियोग्राफर को प्रशिक्षण भी दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बिहार में 24 के बाद पारा गिरने की जताई गई उम्मीद। बिहार में 24 के बाद मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा बहने के कारण न्यूनतम पारा 2 डिग्री तक नीचे देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बनता दिखाई दे रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पूर्वा हवा बहने के आसार है। हालांकि 24 से फिर से पछुआ हवा का आगमन हो सकता है, जिससे न्यूनतम पारा तेजी से नीचे गिरेगा। इसके बाद ही मौसम में बदलाव देखे जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार की ठंड ज्यादा दिनों तक रहने वाली है और सूबे के कई जिलों में दिसंबर मध्य से फरवरी के आरंभ तक रुक रुक कर शीतलहर का प्रकोप दिखेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जगजीवन राम की। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, चौथे उप प्रधानमंत्री और बिहार के राजनीतिज्ञ थे। वो 1935 में अखिल भारतीय दबे कुचले वर्ग लीग की नींव रखने में सहायक थे, जो अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन थे और 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण मजदूर आंदोलन का आयोजन किया। साल 1946 में वो जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री भी बने थे। श्रम मंत्री के रूप में भारत के पहले कैबिनेट और भारत के संविधान सभा के सदस्य भी बने। साल 1971 के भारत पाक विवाद के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, जिनके बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।
मतदान पत्र में मामूली गलती वाले मतदाता भी दे सकेंगे वोट। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत आयोग ने चुनाव के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की छूट दी है। आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पहले चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा इपिक में नाम, माता पिता का नाम समेत अन्य त्रुटियों के होने पर मतदाताओं को मतदान से वंचित कर देते थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार छोटी मोटी त्रुटियों को नजरअंदाज करने की बात कही है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने नेता बनने के बाद सरकारी स्कूल को दुरुस्त करने की कही बात। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में सरकार बनाने पर सरकारी स्कूल को दुरुस्त करने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पुष्पम प्रिया चौधरी ने नेताओं और अफसरों के घर से नाता रखने वाले छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने का काम करने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत पुष्पम प्रिया चौधरी ने सभी नेताओं और अफसरों के घर से निकले छात्रों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि एजुकेशन रिफॉर्म के अंतर्गत कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होगा। अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया गया पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर। पटना नगर निगम की तरफ से स्वच्छता का संदेश पटना वासियों के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी अब बिहार से निकले अभिनेता संजय मिश्रा की होगी, क्योंकि संजय मिश्रा को पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए संजय मिश्रा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। वहीं इस मौके पर संजय मिश्रा खुद मौजूद थे। उपाधि मिलने के बाद संजय मिश्रा ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही लोगों को जागरूक कैसे किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की। सिवान के पर्यटन स्थल में सोहगरा धाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सोहगरा धाम स्थित बाबा हंसनाथ का मंदिर गुठनी प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में जो 21 शिवलिंग का वर्णन है, उसमें 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा शिव हंसनाथ सोहगरा शिवधाम में विराजमान विशाल शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में दैत्यराज वानासुर ने की थी और इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर पूरे एक महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें व्यापक स्तर पर श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। बिहार के शिक्षक का फर्राटेदार अंग्रेजी कमेंट्री सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। पूरे देश में वर्तमान समय में आईपीएल की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी अनुमंडल के गुआगाछी निवासी वरुण देव सिंह का अंग्रेजी में किया गया कमेंट्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार करोड़ों लोगों ने अब तक इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लिया है। वो अंग्रेजी में फर्राटेदार कमेंट्री करते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गुआगाछी निवासी बीडी सिंह अहमदाबाद के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के प्रभारी पद पर तैनात है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उनके इस वीडियो को आकाश चोपड़ा ने भी शेयर किया है। बाहर से बिहार आने वाली 3 ट्रेनों के टाइम टेबल में हुआ बदलाव। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसके तहत पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद मंडल से चलने वाली 3 ट्रेनों के पहुंचने और छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने रविवार को बताया है कि अहमदाबाद दरभंगा क्लोन के छायापुरी स्टेशन, गांधीधाम भागलपुर स्पेशल के अहमदाबाद स्टेशन और अहमदाबाद पटना क्लोन के छायापुरी स्टेशन पर छूटने के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे की तरफ से और भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। भैंस पर बैठकर प्रचार करना नेताजी को पड़ा भारी। आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार की प्रक्रिया जारी है। वहीं प्रचार करने वालों की चर्चा भी खूब हो रही है। कभी कोई साइकिल पे सवार होकर सुर्खियां बटोर रहा है तो कभी कोई भैंस पर चढ़कर प्रचार करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में हाल ही में एक और नेता का अनोखा प्रचार करने का अंदाज देखने को मिला। गया शहर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम चर्चा में आ गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना प्रचार भैंस पर बैठकर कर रहे थे। हालांकि उनका यह कदम उन्हीं पर भारी पड़ा। पशु क्रूरता अधिनियम और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के आरोप में उनके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ शुरू की मुहिम। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान पहले ही अपने बगावती तेवर में नजर आ रहे थे। वहीं अब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बीते दिन से चिराग पासवान ने हैशटैग असंभव नीतीश मुहिम की शुरुआत की है। इस नए मुहिम के तहत उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से बिहार में जदयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और हैशटैग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बनाएगी। हैशटैग असंभव नीतीश। दूसरे ट्वीट में उन्होंने 5 साल के शासन में 7 निश्चय की योजना पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने 3 अन्य ट्वीट भी शेयर किया है।
आज पटना में होगा रामविलास पासवान का श्राद्ध कर्म। रामविलास पासवान का श्राद्ध कर्म आज पटना में करवाया जाएगा। इसमें देश भर से नेता और अन्य लोगों के आने की भी जानकारी दी गई है। वहीं इससे पहले बीते दिन रामविलास पासवान के पैतृक गांव खगड़िया स्थित गांव बन्नी में ब्रह्म भोज और श्राद्ध कर्म का आयोजन करवाया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं चिराग पासवान ने राजधानी पटना के जनार्दन घाट पर अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म के दौरान अपना मुंडन करवाया था, जहां उनके साथ सांसद प्रिंस राज समेत परिवार के कई लोग मौजूद दिखाई दिए। इसके साथ ही आपको बता दें, आज होने वाले श्राद्ध कर्म में कई राजनेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। केंद्र सरकार ने बिहार की पार्टी को दी चेतावनी। बिहार में कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव से असामान्य रूप से कोरोना बढ़ सकता है। इस समिति में IIT हैदराबाद और IIT कानपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में चुनाव और बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मरीज असामान्य रूप से बढ़ सकते हैं। हालांकि सर्दी खत्म होते ही संक्रमण के कम होने की बात भी कही गई है। मोदी सरकार की जनसभा के लिए सुरक्षा टीम हुई तैनात। 23 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं का आगाज करने वाले हैं। वहीं उनकी जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, जिसके लिए ही बिहार पुलिस मुख्यालय पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। इसी बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 जगह पर आयोजित होने वाले जनसभा को ध्यान में रखते हुए 7 IPS और 4 DSP की तैनाती कर दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने रंजीत कुमार मिश्रा समादेष्टा बिहार सैन्य पुलिस, जमालपुर पुष्कर आनंद समादेष्टा BMP 16 समेत कई टीमों की तैनाती कर दी है। प्रधानमंत्री के आने और जाने तक हर टीम की नजर चौकन्ना रहेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किसी साजिश की बात कही जा रही थी। मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुबानी संतुलन के खोने की कही बात। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 में वैचारिक संतुलन खो बैठे थे और अब वो जुबानी संतुलन भी खो बैठे हैं। अब नीतीश कुमार जी तू तड़ाक से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों का आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव की रोजगार मुहिम करवाने की बात पर ये लोग मजाक बना रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इतने पद बिहार में खाली पड़े हैं। चिराग पासवान को भी साथ लेने की तेजस्वी ने कही बात। राजनीति में राज करने की नीति आपको आनी चाहिए, पार्टी और विचारधारा उसके बाद देखी जाती है। जहां लोजपा एक तरफ NDA के साथ होने का दावा करके अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर चुकी है, वहीं तेजस्वी को अभी भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। यही कारण है कि उन्होंने जरूरत पड़ने पर लोजपा से हाथ मिलाने की बात का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमुई की सभा में अपने बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान का भी साथ ले सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज पहुंचेंगे बिहार। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं, जिसके बाद वो बिहार पहुंचकर कई जनसभाओं का संबोधन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज किला मैदान बक्सर में दोपहर 1 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 3 बजे वो महाराजा कॉलेज मैदान में आरा में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वो शहीद भवन चौक आरा स्थित होटल पार्क व्यू में NDA की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा प्रत्याशी, विधानसभा विस्तारक, विधानसभा संयोजक, विधानसभा प्रवासी, जिला पदाधिकारी, उस जिले के प्रदेश के पदाधिकारी एवं NDA के सभी गठबंधन के विधानसभा के 5-5 प्रमुख लोग शामिल होंगे। युवराज सिंह को इस खिलाड़ी में दिखी अपनी झलक। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि मेरा प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। दरअसल मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आए थे, तब पूरन ने 12 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 रन बनाए थे। इसी दौरान यूवी ने ट्विटर पर लिखा कि ऐसा लग रहा है कि निकोलस पूरन इस मैच में गेम चेंजर साबित होंगे। में शानदार फ्लो देखने में मजा आ रहा है, मुझे खुद की याद दिला रहे हैं वो। अनुष्का शर्मा ने अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर लगातार बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं एक बार फिर से उनकी तस्वीर चर्चा का पात्र बन गई है। इन दिनों अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ दुबई में है, वहीं दोनों की तस्वीर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। इसी क्रम में अनुष्का की एक और तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में अनुष्का ने फिर अपनी तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पीच कलर की एक ड्रेस पहन रखी है। इस आउटफिट में अनुष्का
का बेबी बंप भी नजर आ रहा है, साथ ही उनका ग्लो भी दिख रहा है, जिसके शेयर होते ही अनुष्का के फैंस और कई सेलिब्रिटीज ने भी उनकी तारीफ की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,670 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,670 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,350 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था। पेटीएम जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है अपना क्रेडिट कार्ड। पेटीएम जल्द ही अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पेटीएम ने बीते दिन आधिकारिक घोषणा जारी करते हुए पेटीएम ने बताया है कि यह कैशबैक के साथ साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं और एक ऑलराउंड डिजिटल अनुभव को प्रदान करने वाले हैं। पेटीएम ने बताया कि आने वाले 12-18 महीने में 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करना है। कंपनी भारत के कम से कम 10% क्रेडिट कार्ड बाजार पर कब्जा करने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में 3% तक सीमित है। पेटीएम क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी पिन नंबर चार्ज करने, पता अपडेट करने समेत कई सुविधाओं को भी जारी करने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनय कुमार, मिठू कुमार, शाह प्रवीण सिंह, नाजिया परवीन, प्रहलाद जोशी, सोनू कुमार, सनी यादव, प्रशांत सिंह, रामाशीष मंडल, विनय तिवारी, अभिषेक पटेल, प्रिंस शर्मा, रविन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, अमित सर, पीयूष रंजन, दिनेश राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, चुनावी जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना कोरोना से लड़ने में कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।